दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई है। कई इलाकों में बारिश की वजह से कई जगहों से जलभराव की तस्वीरें आ रही हैं। सिविल लाइंस में सड़कों पर हर तरफ पानी भरा हुआ दिख रहा है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू इलाके में भी झमाझम बारिश हुई है। लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के जनपद एरिया में भी बारिश ने मौसम को काफी सुहाना कर दिया। सड़क पर थोड़ा पानी भरा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी बारिश हुई है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों की थी, और अब नासिक की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। नासिक के अंजनेरी में 10 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। दरअसल बारिश की वजह से तेज धार में पर्यटक फंस गए थे। वन विभाग की टीम ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को रेस्क्यू किया। अंजनेरी पहाड़ के आसपास के इलाके में हुई तेज बारिश के बाद पानी का बहाव वहां पर झरने में काफी तेज था, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहां पर फंस गए। और अब आपको महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीर दिखा रहे हैं। कैसे बारिश से चट्टान कमजोर हुई और एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आकर एक कार पर गिरा और कार चकनाचूर हो गई। जिसने भी इसे देखा वो हैरान रह गया। अब रास्ता साफ किया जा रहा, लेकिन खतरा बना हुआ है। कार की हालत देखकर रास्ते से गुजरने वाले दूसरे मुसाफिर सहमे हुए हैं, डरे हुए। महाराष्ट्र के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते नदी नाले और डैम उफान पर हैं। रत्नागिरी में भारी बारिश के कारण सड़क बह गई। रत्नागिरी के खेड़ तालुका में शिवतार नामदारे वाड़ी सड़क पानी के तेज बहाव में टूट गई है। एक हिस्सा बह गया है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव की नजर हो गया। मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और रायगढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी हुई है। इसके साथ ही लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। और अब आपको गुजरात लिए चलते हैं। गुजरात के दाहोद में बारिश ने कहर बरपा रखा है। तस्वीरें आपके सामने। सड़क पर हर तरफ पानी भरा हुआ है। सड़कों पर जलभराव है तो लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। हर तरफ एक दरिया सा बह रहा है और पानी का बहाव काफी तेज है। अब आपके सामने तमिलनाडु के कोर्टलम वाटरफॉल की तस्वीरें हैं। खतरे को देखते हुए लोगों की एंट्री यहां पर बैन कर दी गई है, रोक दी गई है। अधिकारी इलाके पर पूरी नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी आदमी इस फॉल के आसपास ना पहुंचे, ताकि किसी भी अनहोनी की कोई खबर ना हो। तमिलनाडु के इस वाटरफॉल पर बहाव इतना तेज है कि यहां पर लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। एक बार फिर से आप इस वक्त गुजरात के दाहोद की तस्वीरें देख रहे हैं। गुजरात में भी इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हर तरफ सड़कों पर एक दरिया सा बह रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं।